aquí, ¿te acuerdas? हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की से खुर्दियो पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं मतलब एक चीज के बारे में। मतलब तुम मुझे ये बताओ कि भाई गालियों का फैन कौन हो। मतलब कल मैंने कुछ कमेंट पढ़े अपने, उस कमेंट में भाई सिर्फ ये लिखा हुआ था कि भाई हम तेरी गालियों के फैन है, तो मतलब गाली ज्यादा दिया कर। मतलब नहीं भाई, क्या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो भाई? कभी स्कूल या वैसे ट्यूशन वगैरह में जब मैं दे दिया करता था ना भाई गाली, तो मतलब इतनी गांड टूटती थी भाई मेरी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। और तुम कह रहे भाई तेरी गालियों के फ़ैन है, तो मतलब नहीं भाई, ऐसे नहीं होता यार। कोई भाई गेम प्ले का फ़ैन हो, कोई भाई कमेंट्री का फ़ैन हो, बट भाई तुम गालियों के फ़ैन हो। अबे भाई क्या हो तुम? तो चलो खैर छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, अपना ले लो हाथों में फ़ोन और देखो ये अली वीडियो। अभी फिलहाल इधर की तरफ एक बंदा होता है जिसे कि मैं स्कारल से ठोक देता हूँ। मेरे पे हेलमेट भी था पर इस बंदे पे तो भाई टीपीपी भी नहीं लेना आया। पता नहीं बेटी चोद कहाँ ही टीपीपी ले रहा था, इसे कुछ नहीं पता था। ठीक है तो इसे तो मैं मार देता हूँ। पर अभी एक और बंदा था जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से पीक करता है। मतलब तुमने देखो ना मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वो फिर चांद का टुकड़ा एकदम पीक करके तुम्हें मारने की कोशिश करे। वही हाल था इस बंदे का। मतलब नहीं भाई, हमारी बिल्ली हमारे सी में हो, हमारे सामने पिक कर रहा है, वो भी इस कारेल के आगे। तुम्हें नहीं पता पिचकारी वाली गन है भले ही, पट भाई पेल दे बंदों को। तो अगर तुम्हें भी पबजी मोबाइल में रॉयल पास और गन्स की स्किन चाहिए और अपने तुम्हें बंदों में चोट दिखानी है जो कि तुम्हारे टीम मेट है कि भाई तेरा भाई भी प्रो है और तेरे भाई के पास भी रॉयल पास है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ वन एक्स बैट के बारे में। एक बहुत ही बढ़िया बैटिंग वेबसाइट है, यहाँ पर तुम फुटबॉल हॉकी और बहुत सारे टूर्नामेंट में बैटिंग करके भाई अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। कि आज कौन सी टीम जीतेगी बस तुम्हें इतना ही बताना है। तो लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा प्रोमो कोड भी यूज़ कर लेना। अभी यहाँ पे मैं तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल वाली किल चोरी दिखाने वाला हूँ भाई। ये बंदा इतने आराम से नोक पड़ा था ना और इतना इजी किल चुराया मैंने, भले ही इसके बंदे मुझे पीछे से गाली दे रहे हो, पर ये वाला किल चुराने के बाद भी अभी इस घर में दो बंदे थे जिन्हें की मारना बहुत मुश्किल था। और मेरी हेलमेट और वेस्ट देखो भाई कितने डैमेज है। अब मैं यहाँ पे एक बंदा तो नोक कर देता हूँ, बट मैं भाई यहाँ पे थोड़ा एक्शन वैक्शन मारने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था उस खिड़की से उसी पे चढ़ जाऊँ बट नहीं चढ़ पाया। अगर यहाँ पे मेरी ये थोड़ी सी एचपी ना बची होती ना तो मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ भाई मतलब गलती सीन हो जाते, क्योंकि मेरे टीममेट जो है मेरे से बहुत ज्यादा दूर था और अभी उसके पास बंदे हैं तो उधर की तरफ चलते हैं, वरना भाई वो सारे किल लपेट लेगा और अपन को कॉन्टेंट मिलने का नहीं। फिलहाल मैं जैसे ही इधर की तरफ आता हूँ यहाँ पे एक बोर्ड दिखता है, मैं इसे मार देता हूँ। सामने वाले घर से आ रहे थे भाई फुटप्रिंट, तो मैं नेड की पिन खींचता हूँ, बट भाई वो बंदा उछलने लगता है। अब यहाँ पे इस बंदे से मैं पूछता हूँ, मका भाई क्या दिक्कत है तुझे? तुझे बाबा बंगाली के पास जाना, तुझे बवा सही है भूत परेश से छुटकारा, मतलब तुझे क्या चाहिए? हमारे काम को जो काट दे उस नगद इनाम। भाई बाबा बंगाली के पास मैं इसे लेके जाना चाह रहा था, बट इस बंदे ने कहा भाई बिग फैन, तो मैंने भी कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक सो तुमने बचपन में बच्चों को भाई गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलते हुए देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो मुझे देख लो अब। मैं तुम्हें सही मायने में बताऊं ना, जो ये बंदे भाई 360 घूम जाना क्लोज रेंज फाइट में, इन पे इतना गुस्सा आवे मुझे भाई, ये पतंजलि बीडी फूक क्या है, मैं तुम्हें कसम से कह रहा बाबा रामदेव वाली पूरी 360 घूम जाएंगे और तुम इनके मार नहीं पाने की एक भी बुलेट, आधी बुलेट तुम्हारी इधर उधर वेस्ट करवा देंगे और गोल गोल घूमते रहेंगे बस।
पर कोई दिक्कत नहीं, इस बंदे को मारने आते हैं, उसके चक्कर में भाई हमें एक बोर्ड भी मिल जाता है, इसका भी किल मिल जाता है और अपनी केडी तो मेंटेन हो ही चुकी थी। गाड़ी यहाँ पे दो खड़ी थी जिनमें से कि एक डासे उठा गए, हम आ जाते हैं अपने रूट पे जो कि है भाई रोजोक की तरफ। अब रोजोक की तरफ हम जैसे ही आते हैं ना तो हमें यहाँ पे मिलते हैं भाई ठुल्ले। अब ये जो दो ठुल्ले थे ना भाई ये जा रहे, मतलब देख रहे तुम, पुलिस की गाड़ी में गए, ठीक है। अब हमने ठाई अपनी गाड़ी और इन बंदों पर कर दिया पुश और ये रुक गए स्कूल पे। अब इन बंदों में भाई कोई चीज़ नोटिस करने वाली नहीं है, बट लोंडो में एक चीज़ नोटिस करने वाली है, इनके नाम भाई। इन्होंने नाम पे इतनी मेहनत करी ना अपने, मैं कह रहा अगर ये इतनी मेहनत 10वीं 12वीं में कर लेते तो शायद से 70-80% ले आते। और ये वही लोंडो हों जिन्हें की टीचर आ गई, वो पेपर शीट पकड़ा गई और कह गई लो इस पर अपने यहाँ माँ का नाम लिखो, यहाँ लिखो बाप का। ये भाई साहब बाप की जगह माँ का लिख देंगे और माँ की जगह लिख देंगे बाप का और पबजी माँ का लगाएंगे एरो एक से एक एक्शन वैक्शन वाले नाम। तो इसीलिए भैया नाम जितना सिंपल हो और जितना स्पष्ट सा लगे कि भाई आगे इतना चलता है भाई तुम्हारे कल्याण का नाम, उसके आगे एरो फिर तुम्हारा नाम। पर भाई इन्होंने तो तिरछे बिंगे से वे लगा रखे भाई, डंडे त्रिशूल खड़े कर रखे, मतलब एक कर थोड़ना पड़ेगी बात। अब यहाँ पे मैं और मेरे टीममेट सेल्टर की तरफ घूम रहे थे, बट कुछ बंदों के खाज होती है उन्हें मंजूर नहीं थे हम ऐसे सेल्टर में घूमे और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और हम क्या तुम्हें शरीफ लग रहे, मैंने भी सामने वाला एक बंदा नॉक कर दिया और अभी बच रहा है उसका एक और टीममेट, तो चलो भरते भाई उसे भी। अगर तुमने इस गुलाबों में एक बात देखी हो ना, यो इसका ध्यान मेरे पे तो था ही नहीं, पता नहीं क्या ही सीन था इसका, इसका ध्यान मेरे पे नहीं था, इसका ध्यान था पूरा मेरे टीममेट पे। भाई बोट मारने के चक्कर में क्या ही मरे ये बंदे। पबजी मोबाइल में भाई मौत तो मैंने बहुत होती हुई देखी, पता नहीं कोई गिर के मर रहा, कोई रेड जोन से मर रहा, किसी को भाई बंदे रश करके मार रहे, किसी को नेड से फोड़ रहे, बट इन बंदों की मौत जो थी ना भाई एक बोट के चक्कर में आई। इन्होंने बिल्कुल गलत जगह गाड़ी रोक ली बोट को मारने के लिए, हम ऊपर फाइट ले रहे थे और जैसे ही बग्गी रुकी भाई मैं तो आगे रिच की तरफ को भगा भगा और पेल दिया इन्हें भी। अब एरेंगल मैप का बहुत ज़्यादा एरिया चेक करने के बाद हम आते हैं इधर भाई कंपाउंड की तरफ और इस कंपाउंड पर भाई मुझे पूरा पूरा शक था यहाँ पर बंदे मिलेंगे और एक बंदा दिख भी गया। अब यहाँ पे उस बंदे के थोड़ा डैमेज हुआ था बट सही मायने में उस बंदे को पीक नहीं करनी चाहिए थी और उस बेटी चोर ने दोबारा पीक करी भाई, वो पीक कर रहा था मेरा भाई। अब ये बंदा नोक हो गया तो भाई मैंने इसे बिल्कुल पूरा फिनिश कर दिया क्योंकि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता भाई, मुझे अपनी केडी और अपना गेम प्ले बहुत ज्यादा प्यारा है। पहले वाले बंदे को मारने के बाद उसका बदला लेने आती हैं सारा भाभी और ये भी भाई मर जाती हैं। तुम कह रहे थे भाई कल सारा भाभी, तो हाँ हम इन्हें सारा भाभी ही बुलाते हैं और तुम्हें जो बुलाना हो भाई बुलाओ, पर हम तो सारा भाभी बुलाएंगे और कार्लो है हमारा भाई, तो ये हुई भाभी। अब यहाँ पे जो गाड़ी ठा गए हम हांड रहे थे ना इतनी देर से, उसमें हो गया था भाई फ्यूल खत्म, तो हमें चाहिए थी एक नई गाड़ी, हमने वाली ले भी ली और हम आए यहाँ पे मिलिट्री बेस के ब्रिज की तरफ। बट घंटा यहाँ पे तुम क्या सोच रहे बंदे मिल जाएंगे, अरे भाई मिल ही नहीं सकते यार यहाँ पे बंदे, वाले टाइम गए कि भाई ब्रिज कैंप पर मतलब तुम्हें 16-16, 17-17 बंदे मिल रहे और गाड़ियों पर गाड़ी आ रही। अब ऐसा नहीं होता, अब तो बंदे सैग ढूंढें या कोई कंपाउंड और छुप के बैठ जाएं। अब यहाँ पे जब मैं वो वाला कंपाउंड चेक कर लेता हूँ मिलिट्री बेस के ब्रिज वाला, वहाँ पे कोई नहीं मिलता, बट इस कंपाउंड पे एक गाड़ी ठुकी पड़ी थी और सामने दो बंदे थे, इस घर में एक बंदा था और इस बंदे पे जो कि एक बंदा था जी इस घर में, इस पे भाई पूरा अत्याचार कर रहे थे वो पीछे वाले बंदे। यहाँ पे मैं आया नेड़ करने की कोशिश कर रहा था, पहले मुझे लगा कि मैं दीवार के आर पार नेड़ मार दूंगा, बट मुझे पता लगा कि वो वाला हैक का अपडेट तो अभी आया ही नहीं कि दीवार के आर पार भी नेड़ मार सको तुम।
एक तो भाई जिन्ने पे टीपीपी लेना भाई मैं कसम से कह रहा हूँ बंद करवाओ, बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। तुम कभी नहीं मार सकते भाई, बंदा आधी से ज्यादा बार तुम्हें पहले ही देगा, क्योंकि तुम्हारी जो है मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जा। कभी भी गौर कर लेना, जब तुम जिन्ने पे चढ़ोगे ना और बंदा ऊपर खड़ा होगा तो वो तुम्हारी मूवमेंट हो जाएगी स्लो, वो तुम्हें जिगल पिगल लिगल लोड़ा लस्सन पता नहीं क्या क्या करके भाई मार ही देगा। अब यहाँ पे मेरे सामने जो बंदा होता है मैं उसके डैमेज देता हूँ, बट भाई मैं पीक पुक नहीं करना चाह रहा था उसके आगे और वो भी मेरे आगे पीक नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या करा भाई नेड का यूज करा यहाँ पे, धड़ धड़ नेड फेंक के जितने भी थे मेरे पास। साला नेड करेगा वो भी। अब यहाँ पे एक बंदा तो नेड में मैंने फिलहाल नॉक कर दिया था और अब मेरे अंदर पूरी चोट आ गई थी कि भाई मैं सामने वाले बंदों को मार सकता हूँ। और तुम्हें भी पता है भाई जब किसी का एक बंदा नॉक होता है तो उसके बंदे की इतनी बुरी हालत हो जाना भाई बहुत बेकार। आई थिंक सो वो बंदे मरने के बाद कुछ बोल रहे थे कि बेटी चोद तुमने कवर नहीं दिया, और वो भाषा सी तो भाई मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, बट हाँ बोल जरूर रहे थे भाई वो कुछ ना कुछ तो। अभी तक यहाँ पे भाई मैंने टोटल 20 किल कर दिए थे और अभी बच रहे हैं सिर्फ दो बंदे, जिनमें से कि भाई ये दो बंदे इतने ज़्यादा बड़े कैंप पर थे ना, एक सैक के पीछे लेटे पड़े थे, वो तो भाई जरा इनके घिसड़ने के फुटप्रिंट आ गए और एक बंदा मेरे आगे ही आके लेटा था। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था तो मैं इन पे गाड़ी भी नहीं चढ़ा सकता था, बस मेरे पे एक नेड था जो कि मैं कर देता हूँ भाई। नेड करने से कुछ नहीं होता, बस इनके थोड़ा सा साइज से डैमेज पड़ता है और मैं तभी पुश कर देता हूँ इन पे। अब या तो तुम कह लो यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्स बढ़े थे या हमारी किस्मत बढ़िया थी, क्योंकि ये बंदे जो है थोड़े पास में ही पड़े हुए थे, पास पास में, और अगर ये घनी झाड़ियों में पड़े होते ना तो हमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारते। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि तुम लाइक करके जाना, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। और तुम अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और इस वीडियो में कही गई बातें भाई काल्पनिक है तो उन्हें सीरियसली ना लेना। तब तक के लिए बाय। Ingon.